हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें, तो दो शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये दो आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा, जितने भी लोग, जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से, इतने गरीब घर में उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से दो पीएचडी की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा। और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया, और फिर वहां गए, और फिर वहां से पीएचडी करी, और दो पीएचडी करी। आज के जमाने में एक विदेश से, हम अपने बच्चों को, कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, एक पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने दो दो पीएचडी करी, मास्टर्स 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 की खूब सारे, कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो कर। 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी।
तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनका उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी, पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेगी। आम तौर पर तुम देखते हो सरकारी दफ्तरों के प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की फोटो लगी होंगी। असी उन्होंने लोगों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने देश आजाद कराया। शहीद आजम भगत सिंह उन्होंने इस गल की भोरा भी चिंता नहीं सी या शक नहीं सी कि देश किमें आजाद होगा। उन्होंने ये डर से, उन्होंने अपनी किताबों के लिखे, चिट्ठियां लिखे, मैं पढ़िया बहुत, कि आजादी तो बाद देश कि हाथ जाऊगा। उन्होंने शक जोड़ा बिल्कुल सही, उन्होंने डर जोड़ा बिल्कुल सही साबित होया कि जिन्हों हाथों के देश आजादी तो बाद गया, शायद अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि असी 200 साल च इन्हों ने लुट सके जिन्होंने 60-70 साल च लुट लिया अपने। अंग्रेजी के एक राइटर ने, वो इंडिया आए, उन्हें इंडिया बारे किताब लिखी कि भारत जो मल्टीकल्चरल कंट्री है जिथे लोग एक दूजे को आपस च लुटी जाते, जे कोई बैंक के पैसे मार के बाहर जाता है उन्हें सिंगापुर तक नहीं लुटिया, जे कोई इतों करोड़ रुपये का कपड़ा करके बहरले मुल्क भेज देता उन्हें कोई मलेशिया तो नहीं लुटिया। सो अपने मुल्क में यार असं लुटी जाने। सो शहीद आजम भगत सिंह इन्ने ज्यादा देश के दीवाने से कि जिस वे वो चंद्रशेखर आजाद जी को गए चिट्ठी लेके अपने प्रोफेसर ने, लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर, तो उत्थे पहले दिन ही उन्होंने एक ड्यूटी मिल गई। कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीएम साहब के, कोई सेठ सीगा, धनी सेठ सीगा, भी उहदे घरे डाका मारना है पैसे लेके आने, कोई पार्टी चलाने वास्ते पैसे चाहिए, पर एक ही करके उन्हें कहा भगत सिंह की ड्यूटी से एक होर मुंडे की ड्यूटी लग गई। पहले दिन पिस्तौल मिल गया कि तुसी वो बाहर सौंदा है विहड़े दे विच, वड्डी उहदी हवेली है, तुसी उहदी कनपट्टी ते पिस्तौल रखना है, बाकी काम असीं अंदरों कर लाँगे। उन्होंने जो भगत सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाई तो लुट लिया खजाना उतों, तो जाते जाते रस्ते चो जिहड़ा नाल दा मुंडा सी उन्हें दस्सिया कहिंदा जनाब जिहड़े नवे आए ने सरदार भगत सिंह इन्हां दे हत्थ कंब रहे सी जिस वेले पिस्तौल रखिया सी इहनां दे हत्थ। तां चंद्रशेखर आजाद जी ने पुछिया, प्रधान सी, कहिंदे भगत सिंह हत्थ कंब रहे सी? कहिंदे पंडित जी हाँ। की गल फिर? कल तां बड़ी बड़ी गल्लां करदा सी देश वास्ते। कहिंदा इह जी गल कही भगत सिंह ने, उह कहिंदे पंडित जी मैथों अपणियां ते पिस्तौल नहीं ताणिया जांदा, भावें अमीर सी पर है तो भारती सी, गोरिया के तुसी जिथे कहोगे निशाना इतने लाना इतने ला लूंगा, हाथ नहीं कंबदा, अपने ते पिस्तौल नहीं ताणिया जांदा। उस तो बाद चंद्रशेखर आजाद वाले अपने भारतीयों के घर के कोई पैसे पूसे लैने या कोई बंद करता, वो फिर गोरिया का खजाना लेके जाना या ट्रेना लुटन लग गई। भगत सिंह का पहले दिन यह कहा कि मैं इतों अपने आप पिस्तौल लिता नहीं जाता, इन्ने ज्यादा देश भगत से। सो भगत सिंह उन्होंने आजादी लियाती, बाद बाबा भीम राव अंबेडकर जी ने उस आजादी
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਨੋ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਵੋ ਦਬਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਮੁੱਦੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਨਤਾ ਕੁਚਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੋ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਗਾਲੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਗਾਲੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੋ ਤੋ ਯੇ ਚਾਹੀਏ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਸੜਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੋ ਬਾਤ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਮਾਰੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ, ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਘਰ 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 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਚਾਰੀ ਆਮ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੇ ਅਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਨਕੋ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਤੇ, ਮਿਲਨੇ ਜਾਓ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੇ ਲਈ ਕਭੀ ਕੁਛ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ, ਇਹ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸਕੋ ਰਾਤ ਕੋ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੇ ਕਾਮ ਆਏਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ ਵੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤੋ ਇਸਕੋ ਹਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਹਰਾਨਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕਾ ਕਿਆ, ਤੁਮ ਆਪਸ ਮੇ ਲੜੋਗੇ, ਉਨਕਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾ, ਵੋ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਹਰਾਨੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਤੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੋ ਜਿਤਾ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਟਨ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਹਾਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਤੇ ਇਸਮੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰ, ਕੋਈ ਉਨਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਤਾ ਹੈ ਇਸਸੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨੋਚ ਲੂੰ, ਵੋ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਲੂਟਨੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਯੇ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੋਚਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਕੋ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਦੇਖਿਏ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਥਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਸੇ? ਵੋ ਕਹਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਬ ਆਪਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ED ਕੀ ਰੇਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਯੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਉਨਕੋ ਅਭੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਗੁਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆ ਰਹੇ, ਆਪ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ED ਕੀ ਰੇਡ ਮੈਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਮੈਂ 2-4 ਕੇ ਉਪਰ ਔਰ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ED ਕੀ CBI ਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਮੇ ਘੁਸ ਗਏ ਥੇ ਵੋ ਲੋਗ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲੇ ਕਰ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, जितना इन्होंने लूटा है सारा पंजाब का पैसा वापस लिया जाएगा। एक गल हो रहा है सर कि कहा जाता है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, मेरा सवाल है
कि वो कर्ज 3 लाख करोड़ कर्जा खर्चा कहाँ गया है, कहाँ खर्च हुआ? ना तो कोई स्कूल बनाया उन्होंने पिछले 20 साल में, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना कोई सड़क। तो 14.5 साल सिद्धू साहब उनके साथ थे पिछले 14.5 साल से, 9.5 साल हो गए बीजेपी और उसके अकाली दल के, और 5 साल इनके, 14.5 साल सत्ता का हिस्सा है। अभी भी सिद्धू साहब कह रहे बदलाव की राजनीति आएगी। अरे किसको बदलाना चाहते हो आप? हम कह रहे हैं कि इनको बदलाओ। तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा शरियत का कि मुझे कोई फैसला लेने की शक्ति देना, मुझे दर्शनी घोड़ा मत बनाना। वो तो अपनी लड़ाई, उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई पंजाब को सुधारने की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में धर्मांतरण को लेके कानून क्यों नहीं बनाते, पंजाब में जो धर्म की राजनीति करते हुए केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में ये क्यों? देखो मैं कोई, मेरा अपना ये कहना है किसी भी व्यक्ति को कौन से धर्म में मानेगा, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को मानेंगे, किसी और धर्म, ये सबका अपना निजी मामला है, इसमें हस्तक्षेप देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान को मानते हो, आप इस धर्म में विश्वास रखना चाहते हो, आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये सबका निजी मामला है, इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है, कि आज जो देश का कानून है उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि उस अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है, ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है। लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना ये गलत काम है। अमरपाल सिंह गुल्लर की रिहाई के लिए पंजाब में मामला गंभीर रहा है, वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो सिर्फ चलेबंदियां कर रही है। अभी भी आपके पास मैसेज मिला होगा कि बाहर भी इकट्ठा हुए हैं, क्या अड़चन क्या है प्रोफेसर? मैंने कल भी इसका डिटेल में जवाब दिया था, दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये सेंसिटिव मामला है, इस पे केवल और केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है और हम इस गंदी राजनीति की कठोर निंदा करते हैं। जो अकाली दल कर रहा है ये गंदी राजनीति कर रहा है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो LG साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूं, ये कैसे, एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करता है जितने भी मामले आते हैं, केवल ये नहीं, किसी का मामला आया रिहाई का वो डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना, किसी का मामला आया सजा कम करने का वो डिसाइड करता है, किसी का मामला आता है कि सजा माफ करनी है वो डिसाइड करता है। उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जज बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में अफसर बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में पुलिस अधिकारी बैठते हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली जो भी मीटिंग होगी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि मैंने, जब मेरे नजर में ये बात आई, मैंने तुरंत, मैं मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 जब यहां पे आया पंजाब के दौरे पे, तो कुछ लोगों ने मेरे से ये जिक्र किया, तो मैंने होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को तुरंत फोन करके बोला है भाई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाओ और ये इंश्योर करो कि अगली मीटिंग के अंदर एजेंडा में इनका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंडा के अंदर इसका, क्योंकि मामले बहुत होते हैं, एक एक मीटिंग में मान लो इनके पास 100 मामले आ गए, 150। मैंने कहा इनका होना चाहिए और ये डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए, ऐसा ना कर दो कि 300 मामले रख दिए और इसको 300 और बोल दिया कि, तो अगली मीटिंग में मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये मामला एजेंडा में होगा और ये डिस्कस होगा। उसका जो भी नतीजा होगा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का, वो फिर फाइल LG साहब के पास जाती है और LG साहब उसके ऊपर निर्णय लेते हैं।
तो आप इंतजार कीजिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली मीटिंग का, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जल्द से जल्द हो। एक और बात है इसी मिल में, अभी यहाँ भी मजीठिया या सुखबीर बादल भी पीसी करेंगे कहीं, उनको ये जरूर पूछ लेना कि जो उनके परिवार को मतलब बर्बाद करने वाले सुमेश सैनी थे, उनको डीजीपी किसने बनाया था, ये पूछ लेना।